हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, उसके अलावा लंच मैंने नहीं बनाया। लंच बच्चे जो खाएंगे वो मैं उनको बना दूंगी। उसके अलावा और मैंने जो शीन से बर्थडे के लिए जो जितने भी डेकोरेशन मंगाया है आइटम्स, तो वो आ गए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जरूर। और सच बताऊँ ना, बहुत टाइम मतलब इतना वेट करते करते मुझे लगा कि पता नहीं चेन्नई रेड जोन में आने के चक्कर में मुझे लगा कि डिलीवर नहीं होगा या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। और भी मैंने शीन से टॉप्स मंगाए हैं, तो वो अभी आएंगे, टाइम है अभी। और उसके अलावा मैं अभी आपको दिखाती हूँ एक करके, तो वेट कर रहा है उसके बर्थडे का, कि उसका बर्थडे जल्दी से आ जाए ताकि वो बर्थडे मना सके। बट एक चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे 19 से प्रॉपर लॉकडाउन हो जाएगा, तो मे बी कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट्स कितना ओपन रहेंगे कितना नहीं। हालांकि मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि मॉर्निंग से लेके 2 o'clock तक, पहले भी यही था, अभी बीच में तो चेन्नई में सारा ओपन हो गया था, जितना भी मार्केट था सब ओपन हो गया था। बट अभी इस टाइम पे 7 o'clock से लेके 2 o'clock तक, आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है 2 o'clock तक ओपन रहेगा। उसके बाद में सब शॉप बंद हो जाएगी, सिर्फ मेडिकल ऑन रहेगा बाकी, और उसके अलावा और कुछ नहीं। तो सोचिए अगर उसके बर्थडे पे मैं घर से केक बना सकूँ, यार अब मैं क्या बताऊँ। अभी बेकिंग पाउडर वगैरह लेके ही हूँ और मैं उनके लिए डोनट्स बनाने का भी सोच रही हूँ, तो अगर केक मिल जाता है ठीक है, बट उनके लिए केक बनाने की कोशिश करूँगी। घर पे मेरी सिस्टर को आता है तो मैं उससे पूछ पूछ के बना लूँगी, जैसे तैसे भी करके थोड़ा बहुत, तो चाहे मैं छोटा बनाऊँ। बट यार आपको पता है बच्चे कितना एक्साइटेड रहते हैं अपने बर्थडे को लेके, तो ऐसे हालांकि गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं है, हमने वो चीज़ें आदत नहीं डाली कि हम साथ में गिफ्ट भी दें, या ऐसे नहीं कि नॉर्मल बर्थडे जैसे डेकोरेशन कर दो, या फिर उनके लिए सबसे बेस्ट क्या करती हूँ मैं, बर्थडे होता है तो स्पेशल खाना बनाती हूँ, कुछ भी जो खाने का मन होता है, जैसे बच्चों का पसंद का कुछ भी खाना होता है तो मैं वो ही बनाती हूँ ताकि बच्चों को अच्छा लगे बर्थडे के दिन। तो सारा सामान मैं दिखा देती हूँ एक एक करके। उधर कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, मतलब मुझे रिकॉर्ड भी नहीं करने दे रही थी, बार बार आवाज़ आ रही थी, तो अभी लग रहा है थोड़ी आवाज़ शांत हो गई है। और यहाँ का कमरे का भी अभी एक दो दिन से यार थोड़ा मूड ऐसा होने के चक्कर में वीडियोस बन नहीं रहते अच्छे से, तो मैंने कहा चला प्रॉपर आज मुझे साउथ इंडियन फूड्स का चैलेंज करना था, मतलब 24 hours, तो वो मैंने नहीं किया। मैं सोच रही हूँ संडे वाले दिन करूँ, जिस दिन मेरे हस्बैंड भी घर पे हो, या सैटरडे वाले दिन जिस दिन रहेंगे तो मैं तब करूँगी, ताकि क्या होता है ना कि साउथ इंडियन खाना खाते हो तो पेट भर जाता है, मतलब कह सकते हो अभी खा लिया तो पेट फुल हो जाएगा, उसके बाद में आपको मन नहीं करेगा थोड़ी देर कुछ खाने का। तो मैं सोच रही हूँ जब मेरे हस्बैंड घर पे रहेंगे ना उस टाइम पे बनाऊँगी। और उसके अलावा बच्चे बस ना धुले हैं तो उनको खाना है, वो मैगी खाने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैगी बना दूँ या और कुछ खाएंगे तो वो बना दूँ, अभी उन पर डिपेंड करता है कि उनको क्या खाना है। हालाँकि मैगी भी रोज़ रोज़ नहीं बनाती हूँ मैं, कभी कभी बनाती हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो सामान मैंने मंगाया है। उसके अलावा भी जो मैंने यहाँ से, मैं आज ना कुकिंग वाला वीडियो मैं नहीं बना रही हूँ, बस यही वीडियो बनाऊँगी मैं, छोटा वीडियो बनाऊँगी ज़्यादा नहीं। और उसके अलावा मुझे एक वीडियो और बनाना है तो एक वीडियो बना दूँगी, उसके अलावा मैं बताऊँगी मेरा जो वीडियो उस पर जाके देख लेना कौन सा वीडियो बना रही हूँ। तो चलते हैं पहले, बस ये लाइट ऑन करनी पड़ती है। और वैसे अभी तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, 2-3 दिन से चेन्नई का क्लाइमेट अच्छा हो रहा है, अभी थोड़ा सा मतलब उतना गर्मी नहीं है, हवा भी चलती है। और बस यार चेन्नई में एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं चेन्नई में, डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ कर नहीं सकते इसका। तो चलिए पहले मैं दिखा देती हूँ आपको ओके करके, गर्मी भी लग रही है बहुत ज़्यादा। वाला है ये बर्थडे का, तो अभी मैंने इसके अंदर एक अच्छी देख ली, ये भी आई थी, आई थिंक ये क्या है सेफ्टी रिपिन टाइप कुछ करके है शायद, तो ये फ्री मिलता होगा, हालांकि उसमें था नहीं बट इसमें आया है। तो ये वाला हैप्पी बर्थडे का है, मैंने इस कलर का मंगाया है, गोल्डन कलर का, क्योंकि उसके बाद भी मेरे बेटे का बड़े वाले का बर्थडे आ रहा है सेप्टेम्बर में, तो फिर मैंने सोचा अगर लॉकडाउन के चक्कर में अगर कुछ नहीं मिलेगा तो काम चल जाएगा। उसके अलावा ये वो है जो आपके छत पे मतलब बलून्स ऐसे लटके हुए होते हैं ना, तो मैं काफी टाइम सोच रही थी यार ये ऊपर जाके कैसे लगते हैं, तो उनके साथ क्या होता है
ये वाला ऐसे निकालना पड़ेगा, जो गोल गोल है ना इसको निकालना पड़ेगा, और बलून जब फूल जाएगा ना तो बलून के टॉप साइड पे उसको लगा के उस पर चिपका देना है। और जो सेफ्टी रिबन, और पता है मैंने ये भी हार्ट शेप भी मंगाए, जब बलून लटकेंगे नीचे सेफ्टी रिबन है, और फिर उसके बाद में ये लगाने का है उसके नीचे, तो अच्छा लगेगा इसके डेकोरेशन में। ये है, अब मेरा बेटा होने वाला है 5 ईयर्स का, तो मैंने 5 ईयर्स का उसके लिए मंगाया है ये वाला। और क्योंकि कैप दोनों बच्चों के लिए मंगानी थी, मैंने दोनों के लिए कैप मंगाई थी, तो ये भी बहुत प्यारी है। और ये वाला मुझे अच्छा लगा कि कभी कभी आपका मन करता है कि अच्छा सा डेकोरेशन करें, तो जैसे कर्टन है ना, तो उसके सामने इसको लगा दूँगी, फिर इसके बाद जो हैप्पी बर्थडे का जो टैग है उसको लगा दूँगी, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। इसका बर्थडे जब आएगा, आने वाला है 1 जुलाई को, पता तो टाइम निकल कर जा रहा है। और बलून क्या, बलून तो बहुत प्यारे हैं, मैं कलर दिखाती हूँ आपको एक बार। इसमें थोड़ा सा स्मेल आ रहा है, ऐसा आ रहा है जैसे फिश की स्मेल आ रही हो वैसा, है ना। एक ही कलर है, एक कलर टाइप कुछ कर ये है ना ये वाला, और एक ये इसके अंदर कुछ डले हुए हैं ऐसे करके, तो ये भी अच्छा लग रहा है। वो तो वेट कर रहा है कि मम्मा फुला के रख दो अभी, बट लेकिन अभी मम्मा फुला के रख देते हैं। और ये टेप आया, आई थिंक ये देखना पड़ेगा किस चीज़ का टेप लगाना पड़ेगा। फिर से मैंने एक बलून का ये मंगाया है, उसके अलावा एक बलून ये है ब्लू और उसके अलावा मैंने मंगाया है क्योंकि मेरे पास ये नहीं था, तो ये ऐसे करके हवा बढ़ने के लिए उसके अंदर, तो मैंने कहा चलो ठीक है कौन ऐसे फुलाता रहेगा, तो उसके लिए ये ठीक है। और ये भी है सेफ्टी रिबन, वही जो बलून के लगा के आप ऐसे लटका के रख सकते हो ये वाला। ये मैंने एक मंगाया पाइपिंग बैग यार मुझे चाहिए था, और अमेजोन वगैरह पे देखिए तो कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो कुछ बनाना भी होगा तो पाइपिंग बैग में भी क्रीम वगैरह भर के गर्मी लग रही, तो ये कर दूँगी। और इसका नूडल चाहिए 5 चाहिए, तो ये ठीक है। और हाँ ये यही मंगाया है, उसके अलावा और यार ड्रेस का भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि ड्रेस का क्या करें, कहाँ से मंगाए भी ऑनलाइन, तो देखते हैं अभी। वैसे है उसके पास नई ड्रेस, तो देखते हैं वो क्या करता है। तो सामान तो मैं रख रही हूँ, और उसके अलावा चलो चलते हैं मैगी बनाने के लिए, और उसके बाद में मैं दिखाऊँ। चलिए तो हम बना लेते हैं मैगी। तो मैंने इसके लिए लिया है प्याज के हैं 3 मीडियम साइज के हैं, और उसके अलावा एक टमाटर, और यहाँ पर लिए कॉर्न थोड़े से, तो पहले हम चॉप कर लेंगे।
ज़्यादा हो रही है किचन में, पता नहीं क्यों मुझे और भी ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पे मैगी बन रही है, बस अब हम इसको खा लेंगे ताकि पेट भर जाए उसके अलावा। और बस यहीं तक था वीडियो, आई होप आपको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। हालांकि आज का ये वीडियो बहुत छोटा है, बहुत इजी है, मैंने ऐसे ही बनाया है क्योंकि आज का डे ही ऐसा ही था, क्योंकि मैंने हेवी कुछ बनाया नहीं है। और अगर कुछ बनाती तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करती। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।